अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एग्जाम्स क्वेश्चन का आज हम पार्ट 29 करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं जो बहुत ही अहम क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से। ये मैथमेटिक्स है क्लास 10 सिंध बोर्ड की, जिसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन ए माइनस बी इजिकल टू 5 एंड ए प्लस बी इजिकल टू माइनस 9। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला है ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के, ये देखें यहाँ भी ए माइनस बी मिला हुआ है, ये ए प्लस बी मिला हुआ है, रकम दोनों की मिली हुई है तो हमने दोनों ही यहाँ पे रख दिए, ये बराबर हो जाता है इसके। अब कैसे बराबर होता है ये मैं इसकी वेरिफिकेशन कर देता हूँ। ये देखें पहले इसको हल करते हैं, ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये फार्मूला है आपको पता होगा, बहुत मरतबा बता चुका हूँ। ये देखें ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस लगा देंगे, और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें ये 2ab प्लस का, ये 2ab माइनस का, ये आपस में ख़त्म हो गए, तो ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं तो जमा कर देंगे तो 2a² हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है तो ये प्लस 2b² हो गया। और यहाँ पे अगर आप कामन निकालें तो 2 कामन निकल रहा है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जो कामन निकलता है वो डिवाइड होता है दोनों तरफ। तो ये देखें बिल्कुल आ गया सेम इसके बराबर, तो इसमें यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम जो हमने कर दिया है। ए प्लस बी की वैल्यू मिली हुई है माइनस 9, तो यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस 9 लिख के होल स्क्वायर करेंगे, फिर ए माइनस बी है इसकी वैल्यू मिली हुई है 5, इसको भी होल स्क्वायर कर देंगे। ये देखें पावर इवन नंबर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 9 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 81 हो जाएगा, प्लस ये 5 टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 25 हो जाएगा। इसको अगर हम जमा करें तो ये हो जाएगा 106, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई इसकी 2a² और प्लस बी स्क्वायर, जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन हमें वैल्यू किस की चाहिए, वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 2 है इसको ख़त्म करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू, ये 2 जाके डिवाइड करेंगे इससे, 106 अपॉन 2 की टेबल 53 टाइम्स जाएगी इस पर, तो ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 53। यही आंसर है इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।